फाइनली एक और जोन का ज्वाइनिंग लेटर आ ही गया दोस्तों। आप बोल रहे होंगे अरे भाई कौन सा जोन है, दोस्तों बिल्कुल यार टेंशन मत लो, वन बाय वन अपन देखेंगे, अंदर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं वो आपको ही बताऊंगा। और सबसे खास बात, इस बार रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ये ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया है। और सभी कैंडिडेट जरूर देखना दोस्तों इस बार किस जोन का आया हुआ है। जो अंदर जो फर्स्ट पेज रहता है उसमें पहले रेफरेंस रहता है और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है, वो भी बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट चल लेते हैं अपन जो अंदर का डॉक्यूमेंट से। सबसे पहले दोस्तों जो फ्रंट पेज है अपने को देखने को मिला वो ये है। इसमें आप पहले सबसे पहले डेट चेक कर लीजिए और किस साउथ सेंट्रल रेलवे, किस रेलवे के तरफ से है, साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से। जो रजिस्टर्ड पोस्ट है मैंने आपको बता दिया कि किस पोस्ट से आया है, हैदराबाद डिवीज़न सिकंदराबाद। आप नाम चेक कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। और यहाँ इनका नाम है शब्बा वारुपू कृष्णन नायडू, ये शायद 1 और 106 इनके घर का एड्रेस होगा। अब अपन सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट में कुछ नहीं, मैं आपको पूरा वन बाय वन ऐसे लाइन पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत ही लंबा खींचा जाता है और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो बिल्कुल भी। इसीलिए दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, और जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना क्वेश्चन है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं मेरे भाई लोगों की मैसेज करते भाई हमारे जोन का कब आएगा, दोस्तों आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। अभी आप सभी को पता है कि बारिश का सीज़न चल रहा है और पोस्ट अपने जो भी गवर्नमेंट जॉब दोस्तों अगर आपका पैनल इसमें नाम आ गया है ना, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। मैक्सिमम दोस्तों हो सकता है कि 15 से 30 दिन के अंदर आपके घर में जो पोस्ट है, जो ज्वाइनिंग लेटर का पोस्ट है वो पहुंच जाएगा, नहीं तो ईमेल के थ्रू और एसएमएस के थ्रू जो आपने रजिस्टर्ड किया होगा वहाँ पे फॉर्म भरते समय वो आपको वहाँ पे मेल कर देंगे या मैसेज कर देंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। अब अपन सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट इन ईस्ट फाइल। इनको हेल्पर की जो पोस्ट है, पद है, वो ऑफर किया गया है कौन से डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। रेफरेंस में देख लेते हैं अपन। रेफरेंस में दोस्तों एक ही कोड रहता है, ये कोड वर्ड मैंने आपको जो लास्ट वीडियो था अपना पेमेंट के हिसाब से कि लेटेस्ट जो ग्रुप डी के एम्प्लॉई ज्वाइन करते हैं तो उनको कैसी सैलरी मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या कटता है और कट कूट के कितनी सैलरी मिलती है, मैंने आपको बताया था। तो अगर आप न्यू व्यूअर है तो प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखना, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही लाभदायक है वो। ये कोड वर्ड रहता है और ये डेट भी देख सकते हैं आप। अपना पॉइंट पढ़ लेते हैं। पॉइंट में आपको मैंने बता ही दिया कि पूरा डीपली नहीं बताऊंगा नहीं तो वीडियो लंबा खींचा जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो भी इनको कोटा फॉर दी पोस्ट ऑफ हेल्पर, इनको कोटे के हिसाब से जो दोस्तों कैटेगरी के रहते हैं तो उनको हेल्पर और मैकेनिकल का मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इनको हेल्पर की पोस्ट अलॉट कर दी गई है। और सबसे नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ है हैदराबाद में, हैदराबाद डिवीज़न में मिला है इनको 7th CPC पे मैट्रिक्स प्लस अलाउंसेस। दोस्तों अब इनका जो मेन लाइन है मैं अंडर कर ले तो एज़ पर द फोर्स ऑन टेम्पररी बेसिस सब्जेक्ट टू फुलफिल द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। दोस्तों जो भी रेलवे टर्म्स एंड कंडीशन बनाते हैं, जो नियम रहते हैं उनको, वो आपको वन बाय वन पूरे के पूरे फॉलो करने हैं। उसके ही अंतर्गत आपके जो अलाउंसेस है, आपकी सैलरी है, आपका TA DA अगर आप नाइट में भी जॉब करने जाते हैं, आपके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रहते हैं, सब उसके अकॉर्डिंगली ही, जो रेलवे के नियम है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको सैलरी मिलेगी कट कुट के। सेकेंड पॉइंट पर आ जाते हैं अपन। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है योर अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट इंडियन रेलवे। दोस्तों जो भी टाइम टू टाइम जो रेलवे कुछ नियम में चेंज करता है, बाय चांस आपका कहीं ट्रांसफ़र कहीं दूसरी जगह हो जाता है, कहीं सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाता है, कहीं पता चलता है कि आपकी सैलरी डिक्रीज हो जाती है, आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो। आपको जो भी एक्शन लेंगे रेलवे उसके पहले एक नोटिस जारी करते हैं, उसके बाद ही होगा। बट इसके राइट्स लिखा हुआ है कि इसके जो राइट्स है वो रेलवे के पास ही रहते हैं। थर्ड वाला यू आर द गवर्नमेंट, इफ़ यू आर द, अगर आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या क्वाशी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो प्लीज़ वहाँ से रिलीज जो सर्टिफिकेट रहता है वो इशू ज़रूर करवाएं। फोर्थ में लिखा है यू पे विल बी कमन्स फ्रॉम द डेट यू विल जॉइन ड्यूटी एट द स्टेशन टू विच यू आर पोस्टेड, यू आर विल बी प्रोवे। हाँ दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो सैलरी है वो फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एक से लेकर 30 दिन का जो महीना रहता है उसमें 30वें दिन आपको सैलरी मिलेगी। और कम से कम स्टार्टिंग में आप सभी के लिए मेरी गुजारिश है, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि जो आपके फर्स्ट डे मतलब मंथ का जो एक्सपेंडिचर रहता है वो आप साथ में ही लेके जाएँ, और आपको 24 मंथ का जो 2 इयर्स का ट्रेनिंग पीरियड है वो करना पड़ेगा। फिफ्थ में लिखा यूर सर्विस विल बी टर्मिनेटेड 14 डेज नोटिस। दोस्तों ये जो ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है इसके 14 दिन के अंतर में आपको इसका फीडबैक मतलब आपको इसका आंसर बैक करना पड़ता है कि आप ज्वाइन करने के लिए इच्छुक हैं या नहीं हैं। आगे देख लेते हैं अपन। आगे इसमें लिखा हुआ है
You are continuing in this service is subject to your satisfaction performance in the duties prescribed for the post you held. आपको जो भी पोस्ट मिलती है दोस्तों, आपको पहले ऑथ लेना पड़ता है कि मैं शपथ लेती हूँ कि मैं जॉब के लिए बिल्कुल मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है, मैं अपने इच्छा से ये जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दोस्तों इसके आप खुद सेटिस्फैक्शन, मतलब आप खुद सेटिस्फाई हैं इस जॉब करने के लिए और आप इच्छुक हैं दोस्तों, ये भी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट रहता है, उस पर आपको साइन करना पड़ता है और डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। सेवन्थ पे लिखा हो यू आर गवर्न बाय द न्यू पेंशन स्कीम। दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो न्यू पेंशन रूल है उसके अंतर्गत आपको पेंशन मिलेगी। पहले 10,000 पेंशन मिलती थी दोस्तों, अब अप्रॉक्सीमेटली जिसे 12,000 से 15,000 तक कर दी गई है। वो भी दोस्तों डिफरेंट, मतलब डिफरेंशिएट करती है अलग अलग कि आपकी उम्र, जैसे फॉर एग्जांपल आप 50 की उम्र में रिटायर्ड होते हैं या 55 की या 60 की, जिस भी हिसाब से जो पैरामीटर्स रहता है उसके हिसाब से आपको मिलती है, पर अप्रॉक्सीमेटली 15,000 से स्टार्ट होती है। और आप ये सिग्नेचर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे नीचे। दोस्तों ये पूरा का पूरा जो फ्रंट जो पेज रहता है मैंने आपको बताया, मैंने आगे के डॉक्यूमेंट्स इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पूरे के पूरे सेम टू सेम रहते हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे नए व्यूअर होंगे तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि भाई यार तू अधूरी ही जानकारी दे रहा है, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाना और वीडियो सर्च करना, या वीडियो आपको नीचे मिल ही जाएगा, पूरा का पूरा अटेस्टेशन फॉर्म से लेके आप कैसे वो फॉर्म कैसा भरते हैं, पूरा वन बाय वन हमारी टीम ने उस पर वर्क किया है, आपको ईजिली तरीके से पता चल जाएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगे। दोस्तों अगर आपके इससे कुछ भी रिलेटेड डाउट्स एंड कुछ क्यूरीज हो तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। मैं ये नहीं कहूँगा चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है और हेल्प प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। अगर वो इन्फॉर्मेशन और हेल्प आपको मिल जाती है, आप तक प्रोवाइड हो जाती है, दैट इज़ इनफ फॉर मी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना खुद का ध्यान रखिए।